अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं आप लोगों के लिए सिंपल बट स्टाइलिश नेक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये मैंने अपनी शर्ट को देखिए इस तरह से कट कर लिया है। अब सबसे पहले मैंने डिज़ाइन बनाने के लिए ये फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक की लेंथ इस तरह से मैंने 19 इंच ली है। अब फैब्रिक को हम ये देखें ऐसे डबल करेंगे। डबल करने के बाद इसके नीचे एक एक इंच के गैप पर मार्क कर लेंगे। ये स्केल मेरा एक इंच का है। पूरे फैब्रिक पर हमने इसी तरह से मार्क करने हैं, एक एक इंच के गैप पर। मार्क करने के बाद यहाँ पर हम कट लगा लेंगे ताकि दोनों साइड पर हमारे निशान लग जाएं। और अब ये देखें मार्क कर लिया है मैंने। और अब इस फैब्रिक को खोलकर इस तरह से इस पर बारीक वाले पिनटैक्स डाल लेंगे। जैसे मैंने ये एक पिनटैक्स डाला है, सेम इसी तरह से हम इस पूरे फैब्रिक पर बाकी के पिनटैक्स डाल लेंगे। यहाँ पर ये देखें मैंने सारे फैब्रिक पर पिनटैक्स डाल लिए हैं। अब इसके बाद ये मैंने पेपर लिया है। पेपर की लेंथ इस तरह से 16 इंच है और इसकी विड्थ है इस तरह से तकरीबन 12.5 इंच। अब इस पेपर को हम ऐसे डबल करेंगे। इस तरह से डबल करके हम अपने नेक के लिए मार्क करेंगे। नेक की चौड़ाई के लिए सबसे पहले मार्क करेंगे 3.5 इंच पर। और अब हम नेक की लंबाई के लिए मार्क करेंगे। ये मार्क हम 5.5 इंच पर करेंगे। और इसके नीचे हमने वी बनानी है, 2 इंच की वी बनाएंगे। अब हम यहाँ पर गोल गला बनाएंगे, उसके लिए गोल मार्क कर लेंगे राउंड नेक के लिए। अब वी की जो हम विड्थ रखेंगे वो 1 इंच रखेंगे। दोनों मार्क को मिला लेंगे। अब इसके बाद वी के नीचे हमने कट बनाना है, उसके लिए भी मार्क करेंगे। पहले इस तरह से 1-1 इंच के गैप पर पूरे नेक पर मार्क कर लेंगे। यहाँ से हम इसको कट करेंगे अपने नेक को। और अब इसके नीचे हम बनाएंगे कट, 15 इंच पर ये मैंने मार्क किया है कट बनाने के लिए। यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे 15 इंच तक। और अब हम अपने नेक को दोनों साइड से, अंदर वाली साइड से और बाहर वाली साइड से कट कर लेंगे। अब इसको सेंटर से हमने सेपरेट करना है, दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे। जैसे मैंने नेक को पेपर के ऊपर कट किया है, सेम इसी तरह से ये देखें मैंने इसको बुकरम पर भी कट कर लिया है। अब इसको हम फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा साइड में, उसको हम कट कर देंगे दोनों साइड से। और यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। इसके बाद हमने सेंटर से भी दोनों को सेपरेट कर लेना है। अब ये मैंने ग्लू ली है। ग्लू को हम बुकरम के किनारे किनारे पर ऐसे लगाकर ये जो फैब्रिक होगा इसको हम बुकरम की तरफ फोल्ड करके पेस्ट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से हमने इसको पेस्ट कर लेना है। दोनों पार्ट्स के मैंने बाहर वाली साइड को ऐसे पेस्ट कर लिया है, ये देखें। अब इसके बाद ये मैंने कपड़े की डोरी बनाई थी, उसमें से मैंने काफ़ी सारी डोरियों को कट कर लिया है। 2-2 इंच की डोरियां मैंने कट की हैं। अब इन डोरियों के हम लूप्स बनाएंगे। अपने नेक को हम ऐसे सीधा कर लेंगे और एक डोरी लेंगे। डोरी का लूप बनाकर इसके नीचे UHU लगाकर ये देखें यहाँ पर पेस्ट करेंगे। जो मैंने पिनटैक्स डाले हैं उनके सेंटर में हमने ऐसे सारे लूप्स को पेस्ट कर लेना है। फिर बाद में हम स्टिच करेंगे ताकि आसानी से ये हमारे लूप्स जो हैं वो स्टिच हो जाएँ। यहाँ पर देखें मैंने नीचे तक इनको पेस्ट कर लिया है। अब इस दूसरे पार्ट को हम इस पार्ट के ऊपर रखेंगे। दोनों पार्ट को ऐसे रखने के बाद यहाँ से इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखें इस तरह से आसानी से ये हमारे लूप्स स्टिच हो जाएंगे। यहाँ तक स्टिच करने के बाद इसको हम ऐसे सीधा करेंगे और उल्टी साइड से ऐसे इस फैब्रिक को खोलकर प्रेस कर लेंगे इसको। ये देखें इस तरह से। अब जैसे मैंने इसको नीचे से स्टिच किया है, सेम इसी तरह से हम इसको ऊपर से यहाँ से भी स्टिच कर लेंगे।
अब ऊपर से भी स्टिच करने के बाद इसको खोलकर प्रेस कर लेंगे। देखिए मैंने इस तरह से प्रेस कर लिया है। अब जहाँ पर मेरी वी ख़त्म हो रही है वहाँ पर हम ऐसे निशान लगा लेंगे। और ये मैंने अपनी शर्ट ली है, शर्ट का भी मैंने सेंटर बना लिया है। दोनों का सेंटर बराबर रखने के बाद हम पहले सेंटर से स्टिच करेंगे। सेंटर से स्टिच करने के बाद फिर हम बुकरम के साथ साथ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे ये देखें, इस तरह से स्टिच करने के बाद इस सेंटर वाले फैब्रिक को हम कट कर देंगे। और अब हम यहाँ पर नोचिस लगाएंगे, ये देखें यहाँ भी हमने नोचिस लगाने हैं। नोचिस लगाने के बाद हम अपने इस डिज़ाइन को ऐसे राइट साइड पर फोल्ड कर देंगे, ऐसे पलट देंगे हम सीधे साइड पर। इस तरह से डिज़ाइन को पलटने के बाद यहाँ से हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल किनारे किनारे पर ये हमने सिलाई लगानी है। यहाँ तक स्टिच करने के बाद जैसे मैंने यहाँ से स्टिच किया है, अब हम इसको यहाँ दूसरी साइड से भी स्टिच कर लेंगे। यहाँ से यहाँ पर देखें मैंने अपने नेक को स्टिच कर लिया है। नीचे से इसको हम फोल्ड कर देंगे और ये मैंने लेस ली है। लेस को हम यहाँ पर फैब्रिक के नीचे रखकर स्टिच करेंगे। ये देखें इस तरह से पूरे नेक पर हमने ऐसे ही लेस को स्टिच करना है। ऐसे इसको अंदर करते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। ये लास्ट में देखें मैंने अपने पूरे नेक पर लेस को स्टिच कर लिया है। और जो मैंने लूप्स स्टिच किए थे उनमें मैंने पर्स को हैंड स्टिच किया है। तो कैसा लगा आपको ये मेरा सिंपल सा डिज़ाइन? अगर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।